गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से लेकर रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो आपकी हिंदी की बुक है वो सेम हो गई है ना। तो आपको क्लास है आपकी 11, विषय है आपका हिंदी और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 घर की याद, जो कि आपके पत्र खंड से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, बार बार बताया जा रहा है आपको कि आपको क्या करना है। आपकी जो बुक है वो दो बुक है आपकी, है ना, जिसमें एक बुक में गद्यखंड और पद्यखंड दिया गया है, एक बुक में सहायक वाचन दिया गया है ना, और व्याकरण के लिए कोई बुक नहीं है, वो हम आपको अलग से पढ़ाई गई है टॉपिक्स। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है पार्ट 5 पद्यखंड। पार्ट 5 का जो नाम है वो है घर की याद, जो कि एक कविता है। ठीक है, अब इसमें आपको याद करने वाली कोई चीज नहीं है। पद्यखंड है मतलब आपके पद्यखंद के अंतर्गत कविता और दोहे ही आते हैं, है ना। तो इसमें कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं, जब भी पद्यखंड वाले चैप्टर होंगे वो डेफिनेटली कविता या दोहे ही होंगे। इसके अलावा इसमें ना तो कहानी आ सकती है, ना एकांकी, ना निबंध। ठीक, तो ये हमेशा याद रखें कि पद्यखंड है मतलब सारी की सारी कविता होंगी या तो फिर दोहे। ठीक है, इसके जो कवि की बात करें, घर की याद नामक जो पाठ हम आज पढ़ रहे हैं, इसके कवि है श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। क्लियर, अब कैसे प्रश्न बनते हैं इसको हम आपको बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपका आ सकता है आपके एग्जाम में, घर की याद जो है वो कौन सी विधा है। आपके पद्यखंड में जो पाठ है घर की याद, उसकी विधा क्या है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि विधा मतलब होता है कि प्रकार, कि उसका प्रकार क्या है, किस तरह का जो पाठ है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो घर की याद आपका जो पाठ है वो क्या है, पद्यखंड से लिया गया मतलब कविता है। ठीक है, तो घर की याद कौन सी विधा है हिंदी की, तो वो कविता है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है, अगला प्रश्न आपका बनेगा कि घर की याद नामक जो कविता है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसके कवि का नाम बताइए। क्लियर, क्या है आपको मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि घर की याद नामक जो कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में, उनके कवि का नाम बताइए। तो कवि का नाम है, आपको अभी मैंने बताया, बोर्ड पर लिखा हुआ है, भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है वो घर की याद नामक कविता के कौन है, कवि। क्लियर, एक और प्रश्न क्या बन सकता है, घर की याद नामक जो कविता है वो किस खंड की है। तो हमने आपको बताया कविता है मतलब कहाँ होगी, पद्यखंड होगी। क्लियर, इस तरह से जो है वो आपके प्रश्न का जो है, इन तीन चीजों से आपका जो है वो प्रश्न, 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न और बन सकता है, बहुत ध्यान सुनिए, भवानी प्रसाद मिश्र जी, यहाँ पे हमने बताया आपको कि आपको इनका जीवन परिचय भी लिखना है, इसमें आपको क्या लिखनी है, रचनाएं। तो रचनाएं में एक प्रश्न तो हमारे सामने आ गई। यहाँ पर यदि प्रश्न आता है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की किसी एक रचना को लिखिए या रचना को बताइए, उनकी कोई प्रमुख रचना, तो हम बता देंगे कौन सी रचना, घर की याद जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रमुख रचना है, प्रमुख कविता। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके होमवर्क की ओर, कि आपको होमवर्क क्या करना है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि आपको होमवर्क क्या करना है, ये होमवर्क नहीं है, ये आपको चीजें हैं जो आपको करनी होती है हर चैप्टर के बाद, है ना। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ में आप बुक में आपको यहाँ वहां कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पाठ्य पुस्तक में ही आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, आपको क्या करना है उनको अपनी कॉपी में नोट करना है। दूसरा है कवि का जीवन परिचय, यहाँ पे कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है इस कविता के कवि है, तो आपको उनका जीवन परिचय लिखना है। बार बार बताया जा रहा है कि जीवन परिचय सिर्फ और सिर्फ 4 भागों में लिखना है, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में सर बहुत सारा जीवन परिचय लिखा हुआ है, 1 पेज से 1.5 पेज का, आपको उतना सारा नहीं उतारना, सिर्फ रीड करना है, आपको बहुत ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना है और उसको पढ़कर सिर्फ इन 4 चीजों को आपको नोट करते जाना है, जन्म मृत्यु दो रचनाएं कला या भाव। क्लियर, ये और इसके अलावा आपको इसकी कविता, जो भी कविता घर की याद जो कविता है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर बहुत बड़ी कविता है तो आपको उस कविता को पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ 1 पेज एक्टिविटी
सबसे पहले लिखा है परिताप। परिताप का अर्थ होता है अत्यधिक दुख, ठीक है। परिताप का क्या अर्थ हो जाएगा? अत्यधिक दुख। नवनीत, नवनीत का अर्थ हो जाएगा मक्खन। हेटे, हेटे का मतलब हो जाता है हीन। और नीत का अर्थ हो जाता है परम। क्लियर? तो ये आपका जो था पूरा बोर्ड का जो वर्क है, जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है आपकी नोटबुक में। हिंदी की जो आपकी कॉपी होगी उसमें आपको नोट करना है, ठीक है। ये चीज आप जरूर याद रखनी है। इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं। होमवर्क आपके यहाँ 3 होमवर्क दिए गए। ये होमवर्क नहीं, आपका जो काम है कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ये करना ही है और आपको क्या लिखने हैं, शब्द लिखने हैं। अब हम फटाफट इस कविता को समझ लेते हैं कि यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहा है, ठीक है। सबसे पहले घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्र संवाद। तो बहुत कॉमन चीज बताई गई है ये चीज आपको भी यहाँ पे। तो खैर जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी जो की जेल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण हम आपको देके समझाएंगे कि यदि मान लीजिए आप अपने घर से दूर जाते हैं, आप अपनी नानी के घर जाते हैं, या आप कहीं पढ़ने बाहर रह रहे हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, या आप कहीं घूमने छुट्टियां मनाने हैं, तो आपको अपने घर की याद आती है ना। हम सोचते हैं कि हमारे घर में होते हम तो टाइम पे हमको खाना मिल जाता, हमारे घर में मम्मी हमारी केयर करती कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, बेटा ये खा पी खाना खाना है, सोना है, हमारा पर्टिकुलर एक बिस्तर है, जगह है, कमरा है, मतलब हर चीज हमारे पास अवेलेबल है हमारे घर में, है ना। लेकिन यदि हम कहीं बाहर जाते हैं, यदि हम किसी के घर पे जाते हैं रहने के लिए, तब क्या होता है, तब हम उनके अनुसार चलते हैं कि भैया वो खाना बनाएंगे तब हम खाएंगे, या जब सभी लोग मतलब आराम करेंगे तब हम आराम करेंगे। तो हमें दूसरों के अनुसार क्या करते हैं, दूसरों के अनुसार हमें चलना पड़ता। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जब भवानी प्रसाद मिश्र जी जब जेल चले जाते हैं, है ना, स्वतंत्रता संग्राम में उनके समय में वो जेल जाते हैं, तो जब वो जेल जाते हैं तो क्या होता है उनके साथ, उनको कैसा महसूस होता है, क्या महसूस करते हैं वो अपने घर में, अपनी माँ को मिस करते हैं, मतलब अपनी माँ को याद करते हैं, माँ के बने हुए खाने को याद करते हैं, अपने परिवार वालों को याद करते हैं, अपने घर के बारे में सोचते हैं कि कितना आरामदायक मेरा घर है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने क्या किया है, जेल में बैठकर अपने घर की याद, किस तरह से वो अपने घर को याद कर रहे हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी हम कविता के माध्यम से आपको बताएंगे, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको भी फिर आपको अपने घर में रीड करना और उसके जो कठिन शब्द होंगे उनको आपको याद करना है ना। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है, घर की उनसे दूर है जो हर खुशी का पूर है। मतलब हम जब घर में रहते हैं तो खुश रहते हैं, तो ऐसा लग रहा है मान लो मैं यहाँ जो बहुत दूर हूँ अपने घर से, तो मेरे साथ खुशियां भी कहाँ चली गई है, बहुत दूर चली गई है। घर की घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, आए थे परिताप के घर। मतलब हम सब चार भाई हैं, चारों मिलकर घर पे रहते हैं, खुश होते हैं, है ना, जैसे आप लोग घर में एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। बहन हो जिसकी शादी हो गई, वो मायके आई हुई है, उससे बात करनी है, उसके साथ खेलना है, बात करना है, तो ये सब चीजें क्या है, बहुत दुख की बात है कि मैं अपने घर से क्या हूँ, दूर हूँ। घर से घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में से रख लिया जो दुख नहीं थे, माँ की जिनकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मतलब मेरी माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता कि मतलब उसको पत्र के माध्यम से भी उसको क्या करूँ, उसको अपने बारे में बता सकूँ या वो मुझे अपने बारे में बता सके। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जेल में बैठे हुए हैं वो मतलब जेल में बैठकर सोच रहे हैं किस तरह से मेरे घर में कैसे अब यहाँ आया। आप क्या जैसे स्टूडेंट हैं आप स्कूल में, तो आप सोचते हैं ना कि मैंने क्या बनाया होगा, या घर में कोई आता है मेहमान तो भी हम कहते हैं मेरी बुआ आई है या वहाँ से, मुझे घर में जल्दी जाना है, जल्दी पहुँचना है ना, मुझे बच्चों के साथ उनके बच्चों के साथ खेलना है, या पापा ने बोला था कि स्कूल से आएंगे तब हम शॉपिंग करने जाएंगे, कुछ कुछ सामान लेने जाएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं घर की याद में सोचते हैं, अगर हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है वो अपने घर से दूर
अपने मार्क